पुलिस पर फायर झोंककर भाग रहे बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, दूसरा हुआ फरार। चार्ज संभालने के बाद डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा, रेंज में कानून व्यवस्था बनाए रखना ही पहली प्राथमिकता। गंगो पुलिस पर फायर कर भाग रहे एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा भाग निकलने में कामयाब रहा। एक सूचना के बाद तीतरो थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से बदमाश चक्रोड़ से होते हुए एक के खेत में घुस गए। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी पहचान जिला शामली के गांव मोहम्मदपुर राय निवासी सलीम और बाबा के रूप में हुई। तो उनको उनको जो है गंगो की ओर से तीतरों की ओर जा रहे थे, वहीं पे एसएसआई गंगो के द्वारा चेकिंग के दौरान उन्हें रोका गया है। दरोगा के ऊपर फायरिंग करके वो वहां से तीतरों की ओर भागे हैं। विभाग से वहाँ पे जो रास्ते में भी एसओ तीतरों के द्वारा चेकिंग किया गया है। वायरलेस कम्युनिकेशन होने की वजह से पहले से एसओ और उनकी टीम सतर्क हो गए थे। एसओ तीतरों वहाँ खड़े होते देखे जंगल के रास्ते, बगल से जंगल के रादौर गांव के जंगल के रास्ते भागने लगे हैं, तो पीछा करने में गोली वोली उनके द्वारा चलाया गया है। उसके बाद एसओ के द्वारा भी रिटेलिएट किया गया, जिसमें जो बदमाश गोली चला रहा था वो घायल हुआ है। उसका एक साथी जो मोटरसाइकिल में उसके साथ चला रहा था वो वहाँ से भाग निकला है, और घायल अपराधी को अस्पताल में जो भेजा गया है। नवागांतुक पुलिस उप महानिरीक्षक उपेंद्र कुमार अग्रवाल कार्यभार संभालते ही पत्र